मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है और इस प्रमुख त्यौहार पर तिल, गुड़ की मिठास यानी इन दोनों से बने लड्डू और अन्य व्यंजन पर्व की खुशियां दोगुनी कर देते हैं। लेकिन इन दिनों तिल गुड़ के क्या भाव है, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर आज हमारी टीम पहुंची थी इंदौर के मार्केट में। जानते हैं क्या कुछ कहा व्यापारियों ने। गुड़ के भाव इस बार पिछले साल से 3 से 4 रुपये किलो ऊंचा है, क्योंकि इस बार गन्ने की फसल कम है पूरे महाराष्ट्र में और MP में और UP में, और यूपी में गन्ने के रेट इस बार 400 पर खुले हैं। और अभी गुड़ अपना करेले से भी आ रहा है, महाराष्ट्र से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है। करेले का गुड़ अपना देसी रहता है, अच्छा रहता है, और जो यूपी का गुड़ रहता है वो गजक वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गजक वालों के लिए हम यूपी का गुड़ जो बर्फ़ी और लड्डू आता है वो गजक वाले वो लेते हैं, और देसी गुड़ जो करेले का आता है वो घर वाले वो रहते हैं। और गुड़ की इस बार डिमांड भी अच्छी है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा अच्छा चल रहा है और ये 10 दिन 12 दिन संक्रांत में गुड़ की डिमांड अच्छी रही है। और पिछले 2-3 दिनों से जो मौसम MP में ख़राब हुआ बारिश के कारण, उससे प्रोडक्शन कम होने से थोड़ी डिमांड बढ़ी है ठंड के कारण, और थोड़ी प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, तो उसके कारण 1-2 रुपये की तेज़ी अभी 3-4 दिनों में आ गई है। क्या भाव चल रहा है गुड़ अभी नीचे में? जैसे 10 किलो वाला भेली है वो 3800 से 3900 चल रहा है, कटोरा 4000 चल रहा है, लड्डू 42 से 43 है, और बर्फ़ी गुड़ जो गजक वालों के काम में आता है वो 4800 रुपये है, और एक ग्लास कोल्हापुर का आता है वो 46 से लेकर 49 रुपये तक चल रहा है। सर, मकर संक्रांति का पर्व आने को है, ऐसे में तिल का काफी महत्व होता है। जी बिल्कुल, आप व्यापारी हैं तिल के। जी, क्या कहेंगे इस बार बाजार को लेकर? इस बार सर क्या है कि बाजार में थोड़ी सी महंगाई होने के कारण तिल की डिमांड थोड़ी सी कम रही। जब नया माल आया था तिल का, उस समय तिल के बाजार काफ़ी तेज थे, 195-90 रुपये के भाव थे, तो उस समय उस तिल में इतनी डिमांड निकली नहीं। जब बाजार धीरे 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 थोड़ा सा कम आया तो डिमांड भी थोड़ी थोड़ी सी ख़त्म होती गई, और तिल की डिमांड अभी 10-11 तारीख तक रहती है, उसके बाद में फिर संक्रांति के तिल की डिमांड ख़त्म हो जाती है।